गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे सब्जेक्ट इज ईवीएस. इन ईवीएस योर फोर्थ एंड लास्ट चैप्टर इज बर्ड्स. वी रेड दिस चैप्टर इन माय प्रीवियस वीडियो लास्ट वीक एंड वी डिड बुक वर्क ऑफ दिस चैप्टर. सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. लुक एट द बर्ड. क्वेश्चन नंबर सी, पेज नंबर 151. गिव टू एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो क्वेश्चन सी, एग्जाम्पल्स. फर्स्ट, बर्ड्स विथ शार्प एंड हुक्ड बीक. जिनकी शार्प एंड हुक्ड बीक होती है वो बर्ड्स होते हैं वल्चर एंड ईगल. फर्स्ट में आप करोगे वल्चर, सेकेंड में करोगे ईगल. वल्चर एंड ईगल. ओके, फर्स्ट तो फिलअप में करोगे वल्चर, सेकेंड में करोगे ईगल. सेकेंड है बर्ड्स विथ ब्रॉड एंड फ्लैट बीक. उसमें आप करोगे डक एंड गूज. डक, गूज. Duck, goose. Third is praying birds. में करोगे आप eagle and owl. Praying birds में करोगे आप eagle and owl. Fourth number पे है woodpecker and parrot. Woodpecker and parrot. Woodpecker and parrot. Fifth में करोगे fall and petrels. Fifth है. फोर्थ है क्लाइंबिंग बर्ड. क्लाइंबिंग बर्ड में करोगे वुडपीकर एंड पैरट. एंड फिफ्थ है बर्ड्स दैट बिल्ड शैलो नेस्ट ऑन द ग्राउंड. उसमें आप करोगे फॉल एंड पैट्रीज. ओके, फॉल एंड पैट्रीज. क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर टैलेंट्स. शार्प एंड कर्व्ड क्लोज ऑफ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. Curved claws of flesh eating animal are called talons. Are called talons. Question number second is what is the use of webbed feet in birds. Webbed feet ka use kya hota hai. To push water back while swimming. While swimming.
while swimming. Question number third is, what is the difference between flight feathers and down feathers? Down feathers are short and fluffy feathers which keeps the bird's body warm. Third mein hoga. Down feather. Down feather. Down feather are short and fluffy feather. Fluffy feather. Fluffy feather which keep the bird's body warm. Which keeps the bird's body warm. Birds. Body warm, which keeps the bird's body warm. Okay, इसी का ही है flight feathers. Flight feathers are present mostly on the wings and tail of a bird. Mostly on the wings and tail of a bird and help the birds to fly. Help the birds to fly. Question number four is, why do birds build nests to lay and hatch eggs to protect them and their young ones from wet? From bad weather and enemies. To lay and hatch egg. To lay and hatch eggs to protect them. And their young ones to protect them and their young ones from bad weather and enemies from
बैड वेदर एंड एनिमीज, एंड एनिमीज, वॉट आर टैलेंट्स, शार्प एंड कर्व क्लॉज ऑफ फ्लैश इटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड टैलेंट्स. जो शार्प एंड कर्व क्लॉज होते हैं, जो फ्लैश इटिंग एनिमल्स होते हैं, उनके तीखे और जो कर्व्ड मीन्स थोड़े आगे से मुड़े हुए क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं, उन्हें बोलते हैं टैलेंट्स. वॉट इज द यूज ऑफ वेब्ड फिट इन बर्ड्स. बर्ड्स में जो वेब्ड फिट होते हैं, जैसे कि फ्रॉग के वेब्ड फिट होते हैं, झीलीदार पैर होते हैं, वो उनके क्या यूजेज हैं? जो वेब्ड फिट होते हैं, टू पुश वाटर बैक वाइल स्विमिंग, वो पानी को पीछे पुश करने में हेल्प करते हैं स्विमिंग के दौरान. वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लाइट फैदर एंड डाउन फैदर. डाउन फैदर आर शॉर्ट एंड फ्लफी फैदर विच कीप्स द बर्ड्स बॉडी वार्म. जो डाउन फैदर्स होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट होते हैं एंड फ्लफी होते हैं, जो कि एक बर्ड की बॉडी को वार्म रखते हैं, मीन्स गर्म रखते हैं. Flight feathers are present mostly on the wings and tail of a bird and help the birds to fly. Flight feathers होते हैं वो mostly wings के और tails के ऊपर होते हैं, present होते हैं, और ये help करते हैं birds को fly करने में. Question number 4. Why do birds build nest? To lay and hatch eggs, to protect them and their young ones from bad weather and enemies. Eggs को अपने eggs को hatch करने के लिए और eggs देने के लिए, और उनको अपने eggs को और अपने young ones को bad weathers and enemies से protect करने के लिए जो बर्ड्स है वो नेस्ट बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट आर द वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय बर्ड्स टू बिल्ड देयर नेस्ट. कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं बर्ड्स अपना नेस्ट बनाने के लिए? ग्रास, स्ट्रो. क्वेश्चन नंबर 5. ग्रास, ग्रास स्ट्रो, ड्राई लीव्स, पीस ऑफ क्लॉथ पेपर, कॉटन एंड थ्रेड्स. बर्ड्स मटेरियल यूज करते हैं ग्रास, स्ट्रो, ड्राई लीव्स का, पीस ऑफ क्लॉथ का, क्लॉथ के कोई पीस का, पेपर का, कॉटन का एंड थ्रेड का अपना नेस्ट बिल्ड करने के लिए. ओके स्टूडेंट, वी हैव डन क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 4th ऑफ ईवीएस. सो दिस क्वेश्चन आंसर इज योर होमवर्क. नोट डाउन इन योर फ्रेंड नोटबुक ऑफ ईवीएस एंड सेंड मी ऑन व्हाट्सएप.
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।